हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक से बताने वाला हूं कि अगर अपना लैपटॉप का विंडो बूट ना हो तो उसके अपने डाटा को कैसे ले सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे विदाउट विंडो इंस्टॉलेशन के। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे पास एक केसिन है, साटा केसिन लैपटॉप की टेक्कॉम ब्रांड का है 2.5। ओके, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकलता है। एक तो पहले क्या है, ओके, ये टेक्कॉम की USB 2.0 केसिंग एंड कवर एंड ये इसकी USB केबल। इसके स्क्रूज और ये स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स, तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको आज बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लैपटॉप है, मैं इसको खोलता हूँ। इसकी हार्ड डिस्क को अपने को निकालना है। ओके, ये मेरा HP का लैपटॉप है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब तो ये इसकी हार्ड ड्राइव, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ये सीगेट की 500 GB हार्ड डिस्क है। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये हार्ड डिस्क को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया है। अब जो ये मेरे पास केसिन है, इस तरीके से इसके कनेक्शन है, मैं इसको लगा देता हूँ हार्ड ड्राइव में। ओके, आप देख सकते हैं। देन मैं इसको उस केसिन के अंदर फिट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रूज लगाने जो मुझे इसमें आए थे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इस हार्ड डिस्क को इसके अंदर फिट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर USB केबल कनेक्शन करके किसी भी कंप्यूटर पे इसको जब अटैच करूँगा तो जिस तरीके से पेन ड्राइव बूट होती है, सिस्टम में आती है माय कंप्यूटर में, सेम उसी तरीके से ये मेरी हार्ड ड्राइव भी चलने लग जाएगी। तो मैं इसका डाटा बैकअप ले सकता हूँ और कोई मुझे परेशानी भी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने लैपटॉप के डाटा को कैसे मिला के इसका डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।